अब आप ही बताओ बेबे, हम मम्मी से ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि पापा से शादी होने से पहले क्या इनकी शादी इस अजीत लांबा से भी हुई थी? विक्रम! इसलिए बेबे, इस फोटो को देखने के बाद पापा को अटैक आया होगा। मम्मी के इस सच ने पापा की जान ली है बेबे। बेबे, 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 बेबे। हाय, अगर बेबे पूरी हो गई तो मम्मा कैसी बकवास बातें कर रही हो। अभी तो मुझे उस गुस्सा उस विक्रम को देख के आ रहा है। क्या जरूरत थी उसको वो बेबे के सामने वो फोटो दिखाने की, जब ऑलरेडी डिसाइड हो रखा था कि वो फोटो हम कोर्ट केस में यूज करेंगे। खोता कहीं का वो कुड़िये। वो विक्रम ने बात संभाल ली है, समझ। जिस हिसाब से बेबे उस नकुल से सब कुछ पूछ रही थी, और इस खोते ने उस भोले पंछी ने तो बक देना था सारा कुछ। चंगाई कीता विक्रम ने जो कीता। देख, हाँ फोटो सबने देख लिए, इस बात से अब कोई मुकर नहीं सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। और अब तो बेबे चली भी जाए। क्या क्या कहा आपने? बेबे चली जाए तो? विक्रम, मम्मा का कहने का मतलब था कि बेबे की सारी प्रॉब्लम्स चली जाए की बात कर रही थी मम्मा। ये सब छोड़ो, तुम बताओ बेबे कैसी है और डॉक्टर से बात की क्या? लो, डॉक्टर का ही कॉल आ गया। हमें प्लीज बी केयरफुल। या डॉक्टर समी। ओहो मम्मा, इस विक्रम की बातें सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे बेबे की कुछ ज्यादा ही फिक्र है, कहीं उनकी साइड ना हो जाए। तो विक्रम दी साइड नू मार गोली। अब ये सोच के मोहल्ले वाले हमारी साइड कैसे होंगे? अब यहाँ जो कांड हुआ ना, उनको वही पता चलना चाहिए जो हम चाहेंगे, ताकि वो हमारे ही हक में बोले। बस करो। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ किरण, मम्मी की हालत देख रही हो ना तुम, ठीक से बात तक नहीं कर पा रही है वो। ऊपर से बेबे बेहोश हो गई, उनके लिए डॉक्टर बुलाने के बजाय तुम मम्मा के साथ आगे की प्लानिंग कर रही हो। हाँ, तो क्या? हाँ, एक विले आदमी की वोटी और कर भी क्या सकती है? सीना कोई, मुझे नहीं पता कि तुम्हें आरू के फ्यूचर की चिंता है या नहीं, लेकिन मुझे है। तो प्रोफेसर बनना बंद करो और लेक्चर्स ना अपने पास रखो, समझे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये सब तुम्हें लेक्चर दिख रहा है? हाँ हो, हाय नकुल पुत्र, है सब तुसे की कह रहे हो? हैं ओए, पहले ही इत्थे का तमाशे हो रहे जो आप ही शुरू हो गए। ठंड रखो, ऐसे बात ना बढ़ाओ। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर तुम बात बढ़ाओगे ना तो भुगतना भी तुम्हें को पड़ेगा। और ऑप्शन तो मैंने तुम्हें दे ही रखा है ना, आरू या फिर मम्मी जी, डिसाइड तुम्हें करना। डोंट वरी, शॉक और पैनिक अटैक था, हार्ट अटैक नहीं, पर हार्ट अटैक हो सकता था। आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। वो फोटो तो बचपन की है बेबे। बचपन में रामलीला का वो नाटक था, उसमें मैं सीता बनी थी और अजीत राम। बस कोई शादी वादी नहीं हुई है बेबे। मेरे और अजीत के बीच कुछ नहीं है बेबे, कुछ भी नहीं। हाँ सरन पहन जी, अरे और कितने झूठ बोलेंगी आप? हद है आपके झूठों वाली तो। बस करो यार मम्मी, आपका इतना बड़ा सच इन बहानों से झूठ में नहीं बदलेगा। और तू बदल क्या है विक्रम? सच में बदल गया है। पैसों के लिए क्या क्या करेगा विक्रम? मुझ पर केस किया सुखिया, बेबी को ऑस्ट्रेलिया से बुला लिया। पता है ना बेबे हार्ट पेशेंट है, एक बार ही अटैक आ चुका है और दूसरी बार आया, पर आपकी वजह से। माना कि पैनिक अटैक था, पर हार्ट अटैक भी हो सकता था ना। और रही बात फोटो की ना मम्मी, तो वो झूठी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक गवाह है जो कोर्ट में ये प्रूव करेगा कि वो फोटो रामलीला की नहीं, आपकी और उस लांबे की ना असली शादी की है। देखना,
कितने पैसों में खरीदा तूने अपने इस गवाह को? हाँ विक्रम, क्या करना क्या चाहता है तू? अपनी माँ की दूसरी शादी साबित करना चाहता है तू? कितनों विक्रम, कितनों सिखी नहीं बेशर्मी आपसे मम्मी। विक्रम क्या बकवास कर रहा है? बस भाई सुन लो अब जो बोलूंगा मैं, समझे? एक गैर मर्द के गले में वरमाला डालो आप और बेशरम मैं। पापा के विल में हम तीनों भाइयों का कहीं जिक्र तक नहीं था, बस उस ढाबे वाले का नाम था एज ए गार्डियन और बेशरम मैं। एक पराए आदमी के साथ मौज मस्ती, हंसना खेलना, गाना बजाना कर रहे हो आप और बेशरम मैं। पापा के जाने के बाद उनकी जगह एक आशिक को। बेबे, बेबे, आराम से। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे पोते ते हाथ उठाए? मेरे सामने भोली भाली बनती है तू और मेरी पिठ पीछे अपनिया कालिया करतूता छुपाने ले मेरे पोते पे हाथ उठाती है तू? बेटी साहब कहते थे मेरे पे मायूस रंग अच्छे नहीं लगते, मुझे हंसते गाते देखना चाहते थे। क्या बेटी साहब ये भी चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनके बेटों पर तू हाथ उठाए? और तू मुझसे पूछ रहा था ना कि मेरा बेटा जहां भी होगा सुरन को बुरा भला कहने पर नाराज होगा, तो अब कमल यहां भी है मेरे पोतों को पिटते हुए देखकर खुश हो रहा होगा क्या? या फिर ये देखकर खुश हो रहा होगा कि उसकी ये बीवी उसके जाने के बाद तमाशे कर रही है? मुझे सारी बातें गलत हैं। विक्रम पुत्र हाथ पकड़ जरा मेरा। हाँ हाँ बेबे, पर तुसी आराम करो, तबीयत ठीक नहीं। बेबे आप कहाँ जा रहे हो? बेबे बेबे मैंने आपको सब कुछ बता देना है। बेबे मेरी गाल सुनो, आप जो जानना चाहती हो मैं आपको बताऊंगी। बेबे आपको आराम की जरूरत है, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं और ये स्वर्ण घर। हाँ स्वर्ण घर, यही तो गलत है, इसी को ठीक करना है, यही मैं ठीक करूंगी। कितने जा रहे हो तुसी बेबे, आराम करो बेबे। ओए कुछ नहीं होया मेरी तबीयत नु, छोड़ दो मेरे को। मैं भी तो आपका पुत्र हूँ बेबे। बेबे आप मेरी बात नहीं सुनोगे? हाँ भाई मुझे लगता है आपके यहाँ कोई बड़ा धमाका होने वाला है। अब मैंने कुछ कहना सुनना नहीं है, अब मुझे सर्व करना है। अच्छा हुआ तुम सब लोग आगे, मैंने कहा था ना स्वर्ण घर में सब पहले जैसा कर दूंगी तो जरूर करूंगी। मैंने कर दिया ठीक, मिटा दिया स्वर्ण का नाम, अब ये सिर्फ घर।
ऐरिया तेरा कर ना रखांगे स्वर्ण कर। अब जब इस घर में तेरा नाम ही नहीं है तो तू यहाँ क्या कर रही है? तो वो आ जा मेरे घर से और ये अपनी बरात भी ले जा यहाँ से। पीछे ये सब देख के कमल जी की आत्मा को बहुत दुख हो। तू अपना मुंह बंद रख और खबरदार मेरे बेटे का नाम भी लिया तो। कमल जी को जुबान दी थी मैंने तो बोलना तो पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं सब ठीक नहीं है। अगर आज कमल जी यहाँ होते तो अगर पापा होते ना तो ये बोर्ड उखाड़ कर फेंक देते तुम दोनों की उस शादी वाली फोटो देखने के बाद। तू तो बीच में बोली मत। और शादी मजाक है क्या है? और तेरे लिए तो मजाक ही होगी जिसने माँ बेटे के रिश्ते को मजाक बना दिया। देखो तुम्हें ज्यादा गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है शादी। और ना हमने समझा कभी। पर तू क्या समझेगा? हाँ बेबी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप प्लीज अपना स्टैंड वापस ले लो और इन लड़कियों को भी घर से बाहर मत निकालो बेबी। चुप कर तू। मैंने जो कहना था कह दिया, जो करना था कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। ये यहाँ नहीं रहेगी। तो जान दे स्वर्ण बड़ी बोली है, मेरे बिना दुनिया का सामना कैसे करेगी? स्वर्ण माफ कीजिए बेबे, पर इस घर में मैं मेरे बेदी साहब के साथ आई थी। बेदी साहब का नाम और स्वर्ण घर यही मेरी पहचान है, मेरे जीने की वजह है। वादा किया था मैंने बेदी साहब से कि इस घर से मैं नहीं मेरी अर्थी जाएगी। उनसे किया वादा तो मैं तोड़ नहीं सकती बेबे, इसलिए मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे? बेबे प्लीज आप मम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। युग बेबे के फैसले के खिलाफ जाकर सबके सामने बेबे की बेइज्जती ना कर। बेबे से बड़ा नहीं है तू। भाई वो तो आपका देखने का नजरिया है। आपके हिसाब से मैंने बेबे की बेइज्जती की है पर सच तो यह है कि मैंने अपनी माँ की इज्जत रखी है। और रही बात मेरे बोलने की, तो जब बड़े ऐसी हरकत करते ना तो छोटों को बीच में आके बोलना पड़ता है। सब समझ में आ रहा है मुझे। क्यों तू मम्मी की इतनी साइड ले रहा है? पक्का मम्मी ने विल में तेरा नाम लिखने का ऑफर दिया होगा ना तुझे? भाई सबसे ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हो। पैसा प्रॉपर्टी ये सब आपको बेबे। पापा मम्मा पे बहुत यकीन करते थे और मुझे भी बहुत यकीन है मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है बेबे। अबे किसी पर यकीन होने में और किसी के पीछे आंख बंद करके चलने में बहुत फर्क होता है समझा? पापा तो बेचारे ऐसे ही थे, मम्मी के पीछे आंख बंद करके चलते रहते थे, तभी तो इन दोनों का गंदा सच होने कभी दिखाई नहीं दिया। भाई अगर आपने माँ के बारे में एक लफ्ज भी और बोला ना तो तेरी माँ मेरी भी मम्मी है समझा? तू बकवास कर रहा है यहाँ पर।
तेरी तो मैं हमारी मां पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम उन्हें अपनी मां नहीं मानते, वो तुम्हारी बदकिस्मती है। हम तीनों के लिए वो मां से बढ़कर है। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो हमारी मां है। समझ आई? तेरी तो देखा तेरी वजह से कैसे तमाशे हो रहे हैं। बेबे इसमें मम्मा की कोई गलती नहीं है। अभी कुछ कहना बाकी है? मिक्की की तरफ से मैं माफी मांगती हूं बेबे। और बेबे साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि उस पर अजीत पर जो इल्जाम लगा है, उस इल्जाम को गलत साबित करने का एक मौका तो हमें मिलना चाहिए। मेरे खातिर नहीं तो बेदी साहब के खातिर, आपके बेटे के खातिर। दिया मौका, चल बता अब फोटो के बारे में क्या कहेगी? यही कि ये फोटो रामलीला की है। तुझसे मैंने पूछा? अजीत मुझे बात करने दो प्लीज। वो लेकिन फोटो में तो मैं भी हूं ना, जवाब तो मैंने भी देना पड़ेगा। बीजी ये फोटो रामलीला की है। हमारे पिंड में रामलीला हुई थी, उसमें मैं और स्वरण राम और सीता बने थे। इससे ज्यादा इस फोटो की कोई सच्चाई नहीं है। और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये फोटो इन दोनों की शादी की है। तब आप मेरी मां हो, अब आपके अगेंस्ट ऐसे ही तो नहीं जाऊंगा ना मैं। कुछ प्रूफ होगा मेरे पास, कोई गवाह होगा, तभी बोल रहा हूं बेबे ये सब कुछ। बोल क्या सफाई देगी अब? पर मुझे नहीं लगता बेबे कि उससे कोई बात बनेगी। अब स्वरण पैंजी ने कोई सफाई से कोई नहीं देनी, इन्हें साबित करना पड़ेगा। ओ तो चुप कर निम्मा। अब साबित तो तब होगा ना जब बातें छुपाने की जगह साफ साफ कही जाएंगी, और ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा? हाँ बोलो भाई, बताओ हुआ आज तक कभी ऐसा? विक्रम तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना नकुल? हाँ बेबे विक्रम सही बोल रहे थे। देखो बेबे, मेरे अपने होते तो मेरी बात साफ साफ समझ आ जाती, पर परायों को तो मेरी सीधी बात भी उल्टी लगनी है, तो किसी को क्या समझाती, क्या बताती मैं? पर अब बताऊंगी, क्योंकि बेबे पूछ रही है, मेरे बेदी साहब की मां, मेरी माँ, सब बताऊंगी आपको बेबे। पर जब तक मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं करती, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी बेबे। ठीक है, जब तक साबित नहीं हो जाता तुम जहां रह सकती हो। लेकिन तेरी ये बारात यहां नहीं रहेगी। ये बाहर से आई लड़कियां मेरे पोतों पे हाथ उठाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्हें ये घर छोड़ के जाना होगा।